डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास टेन का गणित, जिसमें हमने कुछ बताया था। आज हम क्वेश्चन नंबर टू के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन हो चुका है, तो क्वेश्चन नंबर टू देखिए क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम गुणा 6³ + 1 या 6³ + 3 या 6³ + 5 के रूप का होता है। ये क्वेश्चन नंबर टू है। यहाँ पे जहाँ क्यू कोई पूर्णांक है, तो इसको हम हल करने के लिए पहले मानते हैं कि कोई पूर्णांक ये है, क्योंकि कोई भी धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहा है विषम पूर्णांक, तो हम वही मान लेते हैं कि धनात्मक विषम पूर्णांक ये है तथा बी इक्वल टू 6, क्योंकि आपने 6 के गुणनखंड के रूप में दिखाना है, इसलिए हम बी इक्वल टू 6 मानते हैं। यदि 3 आता तो 3 मानते, 4 आता तो 4 मानते। तो यूक्लिड प्रमेय से, यूक्लिड प्रमेय हमने आपको बता रखा है a इक्वल टू होता है बी क्यू प्लस आर, तो यूक्लिड प्रमेय से a इक्वल टू 6 क्यू, बी की जगह पर हमने माना हुआ है 6 क्यू एंड प्लस आर, जहां आर का वैल्यू यूक्लिड जीरो में बताया गया है कि आर का वैल्यू जो होता है वो 0 से लेकर के बी के जस्ट पहले अंक तक होता है। तो चूंकि b इक्वल टू 6 है, इसलिए 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक ही रहेगा, 6 नहीं जाएगा। अब यहाँ पे फर्स्ट हम देखते हैं कि यदि हम r का वैल्यू 0 रखते हैं तो क्या होता है, अर्थात k इक्वल टू r का वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे, ध्यान से देखेंगे, r का वैल्यू 0 रखेंगे, यहाँ हो जाएगा 0, मतलब a इक्वल टू 6 की। नेक्स्ट आर की जगह पर यदि हम 1 रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा 1, तो 6³ + 1। नेक्स्ट देखेंगे 6³ + 2, 6³ + 3, 6³ + 4 एंड देन 6³ + 5। लेकिन चूंकि कॉमन हो जाता है इसमें, इसलिए ये सब वैल्यू नहीं माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली बताया गया है कि धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो इसलिए टू वाला कंबाइंड नहीं होगा, क्योंकि इसमें यहाँ भी टू है और इसमें भी टू है, तो टू कॉमन हो जाएगा, जिससे कि वो सम संख्या हो जाएगी, तो हम इसको नहीं लेंगे, ये बाहर कर देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पहुँचते हैं 6³ + 4, 6³ + 4 में भी यहाँ भी टू है, यहाँ भी टू है, तो टू आप जानते हो कि टू से डिवाइड जो संख्या होती है उसी को हम बोलते हैं सम संख्या। तो ये विषम संख्या है, हमें पढ़ना है विषम, ये भी क्या हो जाता है, 12 हो जाता है। मतलब नेक्स्ट भी देखा जाए तो 6³, 6³ + 1, 6³ + 3 एंड 6³ + 5 के रूप में देखते हैं, लेकिन 6³ में भी आप देख सकते हैं 2 से ये भी डिवाइड होगा 6, तो इसलिए ये भी इसको हम बाहर कर देते हैं। अब बाकी तीन चीज ही बचा आपके सामने, क्योंकि विषम पूर्णांक के बारे में हमें देखना है। तो विषम पूर्णांक आप देख सकते हो कि यहाँ पे 6³ + 1 है, जैसा कि यहाँ पर दिखा रहा है 6² + 3 है एंड 6² + 5 है, तो कोई भी विषम पूर्णांक इसमें सभी के सभी 2 कॉमन है, डायरेक्टली हम देख सकते हैं कि 2 यहाँ पे कॉमन है, इसलिए हम कहेंगे कि चूंकि a इक्वल टू 6³, 6³ + 2 और 6³ + 4 में 2, इंग्लिश थोड़ा सा लिख रहे हैं, कॉमन फैक्टर है, 2 सब में गुणनखंड है और जिसमें 2 गुणनखंड होता है वो सम संख्या होता है, अतः ये सभी सम संख्याएं हैं। अब बचे बाकी सब जो कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे यदि हम 2 से डिवाइड करते हैं तो एक से स्पष्टता है, यहाँ यदि हम 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ भी एक आपका कितना 3 से स्पष्टता है, तो 3 एक विषम संख्या है, यहाँ भी 2 से डिवाइड करते हैं तो 5 से स्पष्टता है, इसलिए में 5 की बात करें तो 4+1 लिखते हैं, जब 4+1 लिखते हैं तो यहाँ पे 1 शेष आएगा, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ शेष बच जाता है, तो जब हम 2 से डिवाइड करने पर यदि कोई शेष बचता है तो उसे हम कहते हैं कि विषम धनात्मक पूर्णांक। अतः हम कह सकते हैं कि a एक विषम धन पूर्णांक है, a एक विषम धन पूर्णांक
है जिसे 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप में व्यक्त करते हैं। जहां भी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसको आप कमेंट में, वीडियो के कमेंट में, चाहे ग्रुप के कमेंट में आप बता सकते हैं कि जहां पे समझ नहीं आया है तो उसका निवारण किया जाएगा। अब इसके अलावा जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एक करके आप क्वेश्चन को ट्राई करें, और जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो कमेंट में आप नंबर दें कि इस वाले क्वेश्चन को सर बताइए, वही क्वेश्चन बताया जाएगा। अन्यथा आपने मुझसे दो क्वेश्चन बता के एक्सरसाइज को खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।